हेलो स्टूडेंट्स गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू आई एम दीपक सर बिफोर यू आई वेलकम यू ऑल टू दिस वर्ड्स मीनिंग क्लास डियर स्टूडेंट्स टुडे वी विल लर्न 18 वर्ड्स इन 5 मिनट्स हम केवल यहाँ पे वर्ड्स ही नहीं सीखेंगे बल्कि वर्ड्स के साथ हम सीनोनेम्स और एंटोनेम्स भी सीखेंगे और इसके साथ ही एक सुंदर कहानी के आधार पर वर्ड्स के प्रयोग भी सीखेंगे यदि आप किसी भी कंपिटिटिव इंग्लिश की तैयारी करते हैं किसी भी कंपिटेटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं अगर आप पैसेज या उससे संबंधित अन्य क्वेश्चन को आसानी से हल करना चाहते हैं तो निसंदेह यह वर्ड्स मीनिंग आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा डियर स्टूडेंट्स वर्ड्स पढ़ना और मिनटों में लर्न कर लेना याद कर लेना अपने में यह एक अद्भुत कला है और आप उसी कला को सीखेंगे डियर स्टूडेंट्स वर्ड्स में सीनोनेम्स और एंटोनेम्स अपना एक अभूतपूर्व स्थान रखता है आप वर्ड्स को इतने कम समय में लर्न करेंगे और अगर यह तरीका आपको बेहतर लगता है तो निसंदेह दोस्तों इस चैनल को द हिंदू एडिटोरियल इन हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और प्रत्येक नौ बजे प्रत्येक दिन नौ बजे वर्ड्स की क्लास में शामिल होकर अपने इंग्लिश को समृद्ध बनाइए मजबूत बनाइए तो आइए हम वर्ड्स स्टार्ट करते हैं पहले वर्ड्स फिर हिंदी के साथ वर्ड्स फिर सिनोनेम्स और एंटोनेम्स और उसके बाद कहानी आइए एक पति अपनी पत्नी को समझाता है कि देखो भाई यह एस्पेक्ट यह पहलू समझने की है बच्चों को डाइनिंग टेबल पर टैरी रोक कर न रखो सुबह सुबह एडो यह अव्यवस्था फैल जाती है बच्चों को टाइमली स्कूल भेज दिया जाए यह तो कोइंसिडेंस है यह कोइंसिडेंस है दो घटना एक साथ घट रही है कि मुझे भी दे ही जाना है और पिताजी को भी दे ही जाना है इसलिए अपना गुस्सा भेंट मुझ पर उजागर ना करो कंपोजर शांति में रहो यह तुम्हारे हेल्थ के लिए वाइटल होगा महत्वपूर्ण होगा और सामने जो भेंट छिद्र दिख रहा है उसको चूहे को ल्यूर करने के लिए लुभाने के लिए प्रयोग करो देखो मैं दिल्ली जा रहा हूँ लेबर मस्टर इकट्ठा करने के लिए इसमें मैं हॉट जाति को रखूँगा नहीं रखूँगा हॉट जाति को और इसके बाद आकर मैं हॉर्ड जमा की बातें करूंगा मेरी वाइटलिटी पे मेरी स्फूर्ति पे प्रशंसा की जानी चाहिए और मुझे रिकम्पेन से इनाम दिया जाना चाहिए बच्चों के कल्चर पर भी ध्यान रखिएगा ताकि बच्चों का कल्ट स्वतः ठीक हो जाए और हाँ तीन वर्ड अलग से है वो है आपका सेम्बलेंस सादृशता सेम्बलेंस और इसके बाद हम बात करते हैं ये दो वर्ड जो आपने देखा था वेंट को और वेंट यह यहाँ पे जो वेंट है यह शुरुआती में जो आपको मिला है यह भर्म मिला है और यह जो मिला है यह नाउन मिला है तो डियर स्टूडेंट्स ध्यान से सुनना है एक पति अपनी पत्नी को समझाता है कि यह एस्पेक्ट यह पहलू समझने की है बच्चों को डाइनिंग टेबल पे टैरी रोककर न रखा जाए एडो इससे अव्यवस्था फैलती है बच्चों को सुबह सुबह टाइमली स्कूल भेज दिया जाए या तो कोइंसिडेंस है दो घटनाओं का एक संजोग है कि मुझे भी दिल्ली जाना है और पिताजी को भी दिल्ली जाना है इसलिए भेंट आप अपना गुस्सा मुझ पर उजागर ना करें कंपोजर शांति में रहें यह आपके लिए आपके हेल्थ के लिए वाइटल होगा महत्वपूर्ण होगा और हां सामने जो भेंट छिद्र दिख रहा है उसको चूहे को ले लुभाने के लिए प्रयोग कीजिए मैं दिल्ली जा रहा हूँ लेबर मस्टर इकट्ठा करने के लिए हॉर्ड इसमें घुमकड़ जाति को नहीं रखेंगे और आकर फिर हॉर्ड जमा संग्रह की बातें करेंगे इसी से दोस्तों हॉर्डिंग बनता है ब्लैक मार्केटिंग तो मेरी वाइटलिटी मेरी स्फूर्ति की प्रशंसा कीजिए और रिकम्पेंस इनाम दिया जाए मुझे और हाँ बच्चों के कल्चर पर ध्यान रखिए तो बच्चों का कल्ट स्वतः ठीक हो जाएगा बच्चों की रीति पंथ परंपरा जो तरीके हैं वह स्वतः ठीक हो जाएंगे कल्ट का मतलब जैसे हम बोलते हैं ये शिवपंथी है ये वेदपंथी है यह इस्लामपंथी है तो कल्ट उसी के संबंध में प्रयोग किए जाते हैं और सेम्बलेंस का मतलब सादृश्यता आइए तो अब हम इस वर्ड्स को कहानी के हिंदी रूप के साथ लेके चलते हैं तो यह एस्पेक्ट यह पहलू समझने की है बच्चों को डाइनिंग टेबल पे टैरी रोक कर न रखा जाए एडो अव्यवस्था फैलती है बच्चों को टाइमली स्कूल भेज दिया जाए और यह कोइंसिडेंस है दो घटना एक साथ घट रही है मुझे भी दिल्ली जाना है और पिताजी को भी दिल्ली जाना है तो इसलिए अपना गुस्सा मुझ पर वेंट ना करें उजागर ना करें कंपोजर शांति में रहें यह आपके लिए वाइटल होगा महत्वपूर्ण होगा और सामने जो वेंट छिद्र दिख रहा है उसको चूहे को लिय लुभाने के लिए प्रयोग कीजिए मैं दिल्ली जा रहा हूँ लेबर मस्टर इकट्ठा करने के लिए इसमें हॉर्ड घुमक जाति को नहीं रखूंगा फिर आके हॉर्ड जमा संग्रह की मैं बातें करूंगा तो मेरी वाइटलिटी स्फूर्ति की प्रशंसा कीजिए और मुझे रिकम्पेंस इनाम दीजिए बच्चों के कल्चर पर ध्यान किया जाए ताकि बच्चों का कल्चर सौदा ठीक हो जाए और एक अलग से वर्ड है सैम्बलेंस हाँ दोस्तों तो ये कहानी बिल्कुल कहानी के आधार पर सारे शब्दों को कुछ ही क्षणों में आप याद पाएंगे कुछ ही मिनटों में ये सारे शब्द के आप मालिक बन जाएंगे है ना बहुत मज़ेदार तो घबराइए नहीं अभी इसका सीरो बाकी है एंटोनेम्स बाकी है और इसके साथ ही एक जोरदार एक मज़ेदार कहानी भी आपको मिलेगी तो डियर स्टूडेंट्स आपको लगे कि इस शब्द से इस वर्ड से आपको फायदा हो रहा है तो निशंदेह द हिंदू एडिटोरियल इन हिंदी बाय दीपक सर को सब्सक्राइब करें लाइक करें और शेयर करें और हाँ प्रत्येक दिन नौ बजे वर्ड्स की क्लास करना ना भूलें मंडे टू फ्राइडे यह एस्पेक्ट यह पहलू समझने की है बच्चों को डाइनिंग टेबल पर तैयारी करके रोक कर ना रखा जाए एडो इससे अव्यवस्था फैलती है बच्चों को टाइमली स्कूल भेजा जाए यह कोइंसिडेंस है दो घटना एक साथ घट रही है इसलिए भेंट अपना गुस्सा मुझ पे उजागर ना किया जाए कंपोजर शांति में रहिए यह आपके हेल्थ के लिए वाइटल होगा महत्वपूर्ण होगा और हाँ सामने जो वेंट छिद्र दिख रहा है उसको चूहे को लिय लुभाने के लिए प्रयोग कीजिए मैं दिल्ली जा रहा हूँ लेबर मशीनरी इकट्ठा करने के लिए हॉर्ड इसमें घुमकड़ जाति को नहीं रखेंगे आकर हॉर्ड जमा संग्रह की बातें की जाएगी तो मेरी वाइटलिटी स्फूर्ति की प्रशंसा की जाए रिकम्पेंस मुझे इनाम दिया जाए और बच्चों के कल्चर पर भी ध्यान रखिए ताकि बच्चों का कल्ट पंथ परंपरा स्वतः ठीक रहे और सेम्बुलेंस का मतलब सादृश्यता आइए तो अब सीनोनेम्स और एंटोनेम्स के साथ इन वर्ड्स की बात करें तो यह एस्पेक्ट एक पति अपनी पत्नी को समझाता है कि देखो यह एस्पेक्ट यह पहलू समझने की है हां दोस्तों ऊपर का वर्ड सीनोनेम्स है और नीचे यह जो वर्ड्स दिया गया है यह एंटोनेम्स है तो एक पति अपनी पत्नी को समझाता है कि सुबह सुबह का समय है यह एस्पेक्ट यह पहलू समझने की बात है कि बच्चों को सुबह सुबह डाइनिंग टेबल पर टैरी रोक कर ना रखी जाए एडो अव्यवस्था फैलती है क्योंकि सुबह सुबह सबको अपने ऑफिस से लेके स्कूल तक जाना होता है तो बच्चों को टाइमली स्कूल भेज दिया जाए यह कोइंसिडेंस है दो घटनाओं का एक साथ घटना है कि मुझे भी दिल्ली जाना है और पिताजी को भी दिल्ली जाना है इसलिए भेंट आप अपना गुस्सा मुझ पे उजागर ना करें कंपोजर शांति में रहें यह आपके लिए वाइटल यह आपके लिए महत्वपूर्ण होगा और हां सामने जो भेंट दिख रहा है छिद्र दिख रहा है उसको चूहे को लियूर लुभाने के लिए प्रयोग कीजिए मैं दिल्ली जा रहा हूँ लेबर मस्टर करने के लिए इकट्ठा करने के लिए हॉर्ड इसमें घुमक कर जाती नहीं रखेंगे आकर हॉर्ड फिर जमा संग्रह की बातें करेंगे तो मेरी वाइटलिटी मेरी स्फूर्ति की प्रशंसा की जाए और ये कंपेंस मुझे इनाम दिया जाए मुझे रिवार्ड दिया जाए और बच्चों के कल्चर पर ध्यान रखा जाए तो बच्चों का कल्ट बच्चों की पंथ बच्चों की परंपरा स्वतः ठीक हो जाएगी और सेम्बलेंस सादृश्यता आइए एक बार और इस इंग्लिश के वर्ड्स के साथ हम कहानी को रिपीट करते हैं और मिनटों में वर्ड्स को याद करते हैं तो यह एस्पेक्ट यह पहलू समझने की है बच्चों को डाइनिंग टेबल पे टैरी रोककर न रखा जाए एडो अव्यवस्था फैलती है टाइमली स्कूल भेज दिया जाए यह कोई है दो घटना का एक साथ घटना है इसलिए भेंट अपना गुस्सा मुझ पे उजागर ना करें कंपोजर शांति में रहें यह वाइटल महत्वपूर्ण होगा और वेंट छिद्र को ध्यान देखना देना है वहाँ पे चूहे के ल्यूर लुभाने के लिए प्रयोग करें और मस्टर मैं जा रहा हूँ लेबर इकट्ठा करने के लिए हॉर्ड इसमें घुबकड़ जाति को नहीं रखेंगे हॉर्ड और तब जाकर जमा संग्रह की बातें की जाएगी वाइटलिटी मेरी स्फूर्ति की प्रशंसा की जाए रिकम्पेंस इनाम दिया जाए और बच्चों के कल्चर पर ध्यान रखिए तो बच्चों का कल्चर स्वता ठीक हो जाएगा सेम्बलेंस सादृश्यता तो यह एस्पेक्ट यह पहलू समझने की है बच्चों को ज़्यादा देर तक टैरी रोक कर नहीं रखना है एडो अव्यवस्था फैलती है टाइमली स्कूल भेज दिया जाए कोइंसिडेंस दो घटनाओं का एक साथ होना भेंट भर गुस्सा उजागर करना कंपोजर शांति वाइटल जीवन उपयोगी महत्वपूर्ण वेंट छिद्र लियोर लुभाना बस्टर इकट्ठा करना हॉर्ड घोमकर जाति हॉर्ड जमा संग्रह वाइटलिटी स्फूर्ति प्रशंसा रिकम्पेंस इनाम रिवार्ड कल्चर संस्कृति और कल्ट पंथ परंपरा सेम्बलेंस शादीशता आइए अब हम इसके साथ कहानी पर बात करें चलिए इस कहानी में आपको केवल इसके हिंदी को लिखते जाने हैं एक बार रमेश अपनी पत्नी से कहा तुम इस एस्पेक्ट यानी इस पहलू को ध्यान दो बच्चों को खाते समय डाइनिंग टेबल पर ज्यादा देर तक तैरी रोक कर नहीं रखना रोकना नहीं है रोकना नहीं है एडो इससे अव्यवस्था फैलती है तो बच्चों को टाइमली यानी समय पर स्कूल भेज दिया जाए समय से स्कूल भेज दिया जाए और भेंट मुझ पर गुस्सा उजागर ना करें गुस्सा उजागर करना कंपोजर शांति में रहें कंपोजर शांति में हाँ दोस्तों शब्द के प्रयोग पे ध्यान दीजिएगा क्योंकि ऐसा ही प्रयोग आप रियल लाइफ में वर्ड्स के साथ कर सकते हैं क्योंकि यह वर्ड्स का एक्चुअल प्रयोग है तो आप कंपोजर शांति में रहें यह आपके लिए वाइटल जीवन उपयोगी होगा जीवन उपयोगी होगा महत्वपूर्ण होगा इसी से वाइटलिटी बनती है इसी से वाइटमिन बनता है और यहां पे ये वेंट नाउन है छिद्र और ये जो सामने छिद्र दिख रहा है उसको चूहे को ल्यूर लुभाने के लिए प्रयोग किया जाए और हाँ मैं दिल्ली जा रहा हूं लेबर मस्टर इकट्ठा करने के लिए इकट्ठा करना इकट्ठा करना और हॉर्ड घुमक्कड़ जाति को नहीं रखेंगे आदिवासी को घुमक्कड़ जाति को नहीं रखेंगे और वहाँ से लौटने के बाद कच्चे सामानों की होर्डिंग की जाएगी हॉर्डिंग जमाखोरी जमा किया जाएगा तो मेरी वाइटलिटी स्फूर्ति पे स्फूर्ति की प्रशंसा की जाए तथा तो मुझे रिकम्पेंस इनाम दिया जाए और बच्चों के कल्ट पर भी ध्यान रखिएगा बच्चों की जो पंथ है रीति है परंपरा है उस पर ध्यान रखिएगा तब बच्चों का कल्चर भी ठीक रहेगा बच्चों की संस्कृति स्वतः ठीक हो जाएगी और इसके बाद एक अलग से वर्ड है वो है सेम्बलेंस शादृश्यता तो डियर स्टूडेंट्स इस तरीके से आप वर्ड्स को कहानी के जरिए पढ़िए यहाँ पे कोइंसिडेंस एक वर्ड दो घटना का एक साथ होना तो इस तरीके से आप इसे कहानी के जरिए पढ़िए और कहानी में इसके एक्चुअल उपयोग डाले गए हैं इसलिए यह जो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा डियर स्टूडेंट्स ये वर्ड्स की स्टोरी और इसके यूज अगर आपको अच्छे लगे तो जरूर द हिंदू एडिटोरियल इन हिंदी बाय दीपक सर को सब्सक्राइब करें लाइक करें और शेयर करें और हाँ एक आवश्यक सूचना रात्रि नौ बजे के क्लास में आने वाले दिनों में इडियम्स एंड फ्रेजेज और वन वर्ड्स भी सिखाए जाएंगे लाइव क्लास में आपको यह बताया जाएगा कि मिनटों में आप कैसे वन वर्ड्स करेंगे और कैसे इडियम्स एंड फ्रेजेज करेंगे तो डियर स्टूडेंट्स इसी के साथ आपकी आज की क्लास यही समाप्त होती है थैंक यू